दिल्ली की तीनों नगर निगम के लिए मतदान हो चुका है और सबको मतगणना का इंतजार है और मतगणना के बाद जो उम्मीदवार जीत कर पार्षद बनेंगे उनकी पहली मीटिंग इसी हॉल में होगी। ये आपको बता दें कि नॉर्थ और साउथ एमसीडी का सिविक सेंटर मुख्यालय का हाउस जहां होता है वो कमरा है, सदन की बैठक इसी रूम में होती है। और क्योंकि अभी मतगणना होनी है और उसके बाद मेयर का चुनाव होता है और मेयर जब चुना जाता है तो सबसे पहला जो हाउस होता है उसमें मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। हमारे साथ इस पूरी प्रक्रिया पर बात करने के लिए डायरेक्टर प्रेस एंड इंफॉर्मेशन दिल्ली नगर निगम योगेंद्र सिंह मान जी हैं। सर, क्योंकि नए सारे काउंसलर, नई कार्य जो शुरू होने वाली है, 5 साल का जो कार्यकाल दोबारा जो शुरू होने वाला है, नए सारे काउंसलर जीत के आएंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से मेयर का चुनाव होगा, डिप्टी मेयर कैसे चुना जाएगा, बाकी जो पद हैं चाहे चेयरमैन हो चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस, वो कैसे चुने जाते हैं? देखिए, जैसे ही हमारा जो राज्य चुनाव का आयोग है वो जैसे ही हमारे को अधिसूचित करके जानकारी देगा कि ये चुन के, ये नॉर्थ कॉरपोरेशन के, ये साउथ के और ये ईस्ट कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि चुने गए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसमें उसके बाद ये अरुण आसफ अली सभागार है जिसके अंदर ये बैठक होगी, नगर निगम की पहली बैठक। उस सूचना के बाद हम एक शेड्यूल निकालेगा, निगम जो सचिव कार्यालय है वो इसका शेड्यूल निकालेगा कि किस दिन महापौर का चुनाव होगा, किस दिन उप महापौर का चुनाव होगा और किस दिन 6 सदस्यों जो स्थायी समिति के चुने जाते हैं सदन से, ये सब पहली बैठक का ही है। सर, कोई नोटिफिकेशन, जब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा वो कोई ड्यूरेशन होता है कि इतने दिनों बाद पहले सदन की बैठक बुलानी है? नहीं, ये अपनी जो हमारे इसके अंदर जो नियमावली है कि कितने दिन का समय दिया जाएगा, जैसे कि आम आदमी चुनाव के लिए भी किया जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया के नामांकन दाखिल करने का ये दिन और चुनाव के लिए ये दिन, इस तरह से निर्धारित तारीख होती है। हमारे भी यहाँ पे कम से कम 7 दिन का गैप दिया जाता है नामांकन से चुनाव के बीच में, 72 घंटे का क्लियर कट गैप होना चाहिए, उसमें वर्किंग डे होने चाहिए 72, उस हिसाब से तारीख तय की जाती है जिसके अंदर फिर नामांकन दाखिल होंगे और नामांकन दाखिल होने के बाद जो पहला दिन होगा उसमें शपथ ली जाएगी सब नए पार्षदों के द्वारा और महापौर का चुनाव निर्धारित होगा, महापौर चुने जाएंगे, उप महापौर चुने जाएंगे और 6 मेंबर जो सदस्य होंगे स्थायी समिति के वो चुने जाएंगे। ये वो सदन है जहाँ पे मेयर और जो अन्य पार्षद हैं बैठकर कई दिल्ली की जनता के लिए अहम डिसीजन लेते हैं, और क्योंकि जब मतगणना होगी और जो जो उम्मीदवार जीत के आएंगे, जो जो नए पार्षद बनेंगे, उनमें से जो जिसका सबसे ज़्यादा, जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा बहुमत होगा, जिसका सबसे ज़्यादा सीटें होगी, उसी पार्टी का एक मेयर चुना जाएगा और उसके बाद जो मेयर, डिप्टी मेयर और उसके अलावा जो अन्य पद हैं निगम के वो चुने जाएंगे। कैमरामैन सुरवीर के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।